बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ दौरा है। 28 अक्टूबर को आजमगढ़ जाएंगे अखिलेश यादव। मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे अखिलेश यादव। 27 अक्टूबर को मई से आजमगढ़ पहुंचेंगे अखिलेश यादव। दुर्गा जी कॉलेज सेदा में सभा को करेंगे संबोधित। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव का दौरा है, जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ दौरा किया जाएगा, जहां 28 अक्टूबर को आजमगढ़ जाएंगे अखिलेश यादव। वहां मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे अखिलेश यादव और 27 अक्टूबर को मऊ से आजमगढ़ पहुंचेंगे अखिलेश। दुर्गा जी कॉलेज सेदा में सभा को करेंगे संबोधित। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ दौरा होने जा रहा है। लखीमपुर खीरी कांड से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लखीमपुर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी नाराजगी। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लखीमपुर खीरी कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखीमपुर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, जो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी नाराजगी। सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लखीमपुर खीरी कांड से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज जिस तरीके से सुबह 11 बजे से सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होने जा रही है, तो क्या कुछ कार्यवाही रहेगी इस पर? देखिए, लखीमपुर हिंसा पर सुइमोटो यानी स्वतः संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार से काफी कुछ सवाल पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो वकील थे उनसे उस पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी, और ये भी बताया था कि ये जो लचर रवैया पुलिस की तरफ से किया गया है, ये क्यों किया गया है, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। हालांकि उसके तुरंत बाद गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी, और उसके बाद आज की जो तारीख 26 तारीख लगी हुई थी आज के लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट की, और उसकी आज सुनवाई होनी है। करीब 11 बजे से सुनवाई होगी। पिछली बार ये जो सुनवाई होती है, इसमें जो स्टेटस रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के वकील सरकार के वकील की तरफ से जो पेश की गई थी, उस स्टेटस रिपोर्ट से भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट नाखुश था, और ये कहा था कि स्टेटस रिपोर्ट एक दिन पहले जमा कराई जाए, और आज फिर उस स्टेटस रिपोर्ट पर विचार विमर्श और चर्चा होनी है सुप्रीम कोर्ट में। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो तथ्य सामने निकल कर आए हैं, क्योंकि बीच में जो त्योहार पड़ गए थे, उन त्योहारों की वजह से ही ये जो डेट थी ये 26 तारीख रखी गई थी, और आज इसकी सुनवाई होनी है, और स्टेटस रिपोर्ट पर अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो वकील है, उन्होंने इस स्टेटस रिपोर्ट में क्या क्या दाखिल किया है और क्या क्या चीजों को लेकर सुनवाई हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लखीमपुर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुबह 11 बजे से सुनवाई शुरू होनी है। आईपीएल 2 नई टीमों का उदय किया गया है। आईपीएल में अब 10 टीमें खेलेंगी। आईपीएल में अब अहमदाबाद और लखनऊ की टीम भी खेलेगी। टीम लखनऊ को संजीव गोयनका के आरएसपीजी ग्रुप ने है खरीदा। अहमदाबाद की टीम को सीवीसी कैपिटल ने खरीदा। इस वक्त की बड़ी खबर, अगले साल भारत में आईपीएल होना है। लखनऊ का इकाना स्टेडियम भी होगा इससे गुलजार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आईपीएल में 2 नई टीमें शामिल होने जा रही हैं। आईपीएल में अब 10 टीमें खेलेंगी, जो आईपीएल में अब अहमदाबाद और लखनऊ की टीम भी शामिल हुई है। टीम लखनऊ को संजीव गोयनका के आरएसपीजी ग्रुप ने है खरीदा, और अहमदाबाद की टीम को सीवीसी कैपिटल ने है खरीदा। अगले साल भारत में आईपीएल होना है। यूपी भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन है आज। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा ये सम्मेलन। जिला समाज कल्याण अधिकारियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेता रहेंगे मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा इसका सम्मेलन। जिला समाज कल्याण अधिकारियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेतागण रहेंगे मौजूद।
भी भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा ये सम्मेलन, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ समेत फरीदाबाद से बड़ी खबर, जहां चलती कार आपका गोला बनी, बल्लभगढ़ सोना फ्लाईओवर की है ये पूरी घटना, चालक ने जलती कार से बाहर निकलकर बचाई जान। सूचना पर पहुंची दमकल गाड़ी ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, जहां कार जल कर हुई है राख। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक आग जलती हुई आग का गोला बनी, चालक ने जलती कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। सूचना पर पहुंची है दमकल की गाड़ी, काफी कार जलकर राख हुई है।